हाय गाइस, मायसेल्फ हिमाद्री और आप लोग देख रहे हो द वैकेशनर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज ही नए ब्लॉग के साथ आप लोग के सामने मैं हाजिर हुआ। तो आज का ब्लॉग है जुको वैली, और जुको वैली के बारे में आप आई थिंक सबको पता होगा। ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे सुंदर एक वैली है, जो मतलब यहाँ पे हर साल लोग बाहर से आते हैं, बाहर के स्टेट से, फॉरेन कंट्री से भी आते हैं। और ये जो वैली है ना, ये नागालैंड स्टेट में पड़ता है। और ये यहाँ पे ना, मतलब यहाँ पे ट्रैकिंग करना पड़ता है, ट्रैकिंग करके ऊपर जाना पड़ता है। मैं हर एक चीज़ आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, बहुत शॉर्ट में करूँगा। मैं दो पार्ट में बनाऊँगा। एक होगा मैं जैसे अभी फ़िलहाल लामडिंग में पहुँचा हूँ। मैं पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बेसिकली बिलोंग फ्रॉम हाइलाकंदी डिस्ट्रिक्ट, आसाम से हूँ मैं, ठीक है। तो मैं ना घर से ब्लॉग नहीं बनाया, तो एक्चुअली आज बहुत जल्दी मैं आ गया था, इसके लिए मैं घर से स्टार्ट कर नहीं पाया था। तो मैं अभी लामडिंग आया हूँ, लामडिंग से मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो पहला जो एपिसोड होगा वो होगा लामडिंग से दीमापुर, और दीमापुर से कोहिमा। कोहिमा में हम लोग रुकेंगे ना, वहाँ तक का रहेगा एक एपिसोड। और दूसरा एपिसोड रहेगा कोहिमा से हम लोग जुको वैली का जो ट्रैकिंग है और कैसे करते हैं, क्या नहीं, एवरीथिंग, वो मैं सेकेंड पार्ट में कम्प्लीट करूँगा। तो साथ में बने रहिएगा और ये ब्लॉग पूरा देखिएगा। आई होप बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को, बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा सब कुछ कवर करने के लिए। जो भी मैं कैसे कैसे प्लान बनाया, कैसे कैसे मैं आया, मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ, आपको सुन लीजिएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि आप लोग जुको वैली में ना अकेले जा नहीं सकते हो, अकेले ट्रेवल नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैक रेल्स होता है ना, वो बहुत बुलबुले टाइप का होता है। तो बेटर होगा आप लोग जो भी जुको के लिए जाओगे ना, तो एक गाइड लेके जाना, लोकल गाइड मिलता है। और नहीं तो आप, मैं जिस कंपनी से जा रहा हूँ ना, उस कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो वो आप लोगों को लेके जाएंगे, ठीक है, बहुत रिजनेबल रेट में, ठीक है। और दूसरी बात तो यहाँ पे खाना पीना, जो रहना का जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत मतलब वो बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग अकेले जाने का प्लान कर रहे हो तो मतलब प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। तो बेटर होगा आप लोग एक काम करिएगा, लोकल गाइड ले लो, फिर चले जाओ बिंदास, ठीक है। तो वो रहा एक इन्फॉर्मेशन। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है, अगर जैसे मैं बरगवली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा घर हाइलाकंदी है, तो मैं हाइलाकंदी जैसे मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ा सुबह का 8 बजे, जो ट्रेन होता है जो सिलचर से गुवाहाटी वाला जो लोकल जो ट्रेन होता है वो मैं पकड़ा था, तो वहाँ से मैं आया लामडिंग तक, ठीक है। तो लामडिंग में आके फिर मेरा जो दूसरा वाला ट्रेन है वो है 6 बजे 6:10 बजे, वो होगा बिजी एक्सप्रेस, जो भी यहाँ से लामडिंग से दीमापुर तक जाएगा। तो हम लोग आज रात दीमापुर रुकेंगे, फिर कल सुबह हमारा जो कंपनी का जो भाई है लोकेश, वो आएगा हमें पिकअप करने के लिए, वो लेके हमें जाएंगे कोहिमा की एक कोहिमा में एक विलेज है जहाँ पे हम लोग कल रात रुकेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। तो मैं धीरे धीरे मैं सबको बता दूंगा, बने रहिएगा इस वीडियो में, ठीक है, और एंड तक देखिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय।
पहुंच गए हैं डिमापुर रेलवे स्टेशन में। तो अभी सीधे जाएंगे हम लोग होटल पे, क्योंकि जो अलोकेश है ना, जो मेरा ट्रैक गाइड है जो कंपनी से मैं आ रहा हूँ, तो वो फ़ोन करके मुझे बोला कि एक होटल का नाम दिया है ब्लू बर्ड, तो उसी होटल में जाना है। ठीक है, तो फिलहाल हम जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, अभी रात के हो रहे हैं अभी 9 बज चुका है, तो बहुत लेट हो चुका है। हम लोग का ट्रेन बहुत लेट था, इसलिए लेट हो गया हमें। ठीक है, फिर चलते हैं होटल में, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर अलग से मिला दूंगा आपको। ठीक है, चलो अभी जाते हैं होटल में, बाय। अभी अभी हम लोग ने यहाँ पे आके मोमो लिया है, मोमो ऑर्डर किया था, तो चिकन मोमो लिया है हम लोग ने, तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा टेस्ट है। देखो नंबर वन टेस्ट, बहुत बढ़िया टेस्ट। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल द वैकेशनर्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डिमापुर। तो अभी सुबह के बज रहे 7, और कल रात हम इसी होटल पे रुके थे। मैं कल ब्लॉग नहीं बनाया था, कल बहुत टायर्ड हो चुके थे, तो ये होटल का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ये होटल का नाम है द ब्लू बर्ड लॉजिंग। ओके, ये ज़्यादा दूर नहीं है स्टेशन से, अगर स्टेशन से उतरोगे ना तो लेफ्ट साइड लोगे तो टर्न लोगे तो 100 मीटर्स होगा डिस्टेंस, तो यही है होटल। हम लोग कल रुके थे यहाँ पे, और आज का प्लान है ये कि हम लोग अभी जाएंगे कोहिमा में। कोहिमा में आज रात जाएंगे जुकामा विलेज में, जुकामा विलेज में आज रात रुकेंगे। ठीक है, तो जो मेरा जो ट्रैक गाइड है वो होटल के रूम पे है अभी, कल रात आके हम लोग मिले थे, तो कल तो पता है सब टायर्ड हो चुके थे, तो मैं उनसे मिलाता हूँ। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ ऊपर। ओके, लेट्स गो। मीट अलोकेश गोगोई। कल मैंने बताया ना आपको, मैं आप लोगों से मिलाऊंगा अलोकेश जी से। एक्चुअली यही है हम लोग का ट्रैक गाइड, और इनका ही कंपनी है अल्पिनिस्ट ट्रैवल, तो ये हमारे साथ रहेंगे 2 दिन के लिए, आज और कल, क्योंकि कल हम लोग सुबह होके ट्रैकिंग करेंगे जुको के लिए, है कि नहीं? हाँ, आज तो हम लोग जखाऊ विलेज में रुकेंगे। अच्छा, तो आप विलेज पर रहेंगे आज? अच्छा, तो अभी निकलना है कुछ देर बाद। ठीक है, 10 मिनट अभी बज रहे सुबह के 7, तो फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, हम तो तैयार है, ये भी तैयार हो चुके, बाकी और भी ग्रुप और भी है मेंबर्स है ग्रुप में, हम लोग टोटल 6 पर्सन जा रहे हैं ग्रुप में। ठीक है, तो बाकी लोग भी तैयार हो चुके हैं, तो हम लोग नीचे जाएंगे अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद सीधे जाएंगे अभी कोहिमा में। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, साथ में बने रहिएगा, ये ब्लॉग पूरा देखिएगा, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, आज बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं कोहिमा में जाके। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय। तैयार हो चुके, चलो चलो सब निकलते हैं एक एक करके। देख लो, कल रात दिमापुर का स्टेशन दिखा नहीं पाया अच्छी तरह से, मैं आपको दिखा नहीं पाया था, तो ये लो दिमापुर स्टेशन। वाओ, तो यही है हम लोग का कैब आज के लिए, तो ये जाएगा अभी कोहिमा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इनका लोगो लगा हुआ है, एडवेंचरस सोल। ओके, तो हम लोग टोटल 6 है, तो यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा है, कल रात बहुत बारिश हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ से एक एक करके जाएंगे, तो फिर हम लोग जाएंगे कोहिमा में, तो चलते हैं अभी। तो ये हमारे आज के ग्रुप सुरंधा है मेरे साथ, और ये दोनों आए थे डिग्री बोर्ड से, और पीछे भी है और दो लोग। भाई आपका नाम? क्या? तोसिम। और भाई आपका? अनुपम। आप लोग कहाँ से? डिब्रूगढ़। सो बेसिकली सब डिब्रूगढ़ से है, और हम दोनों सिलचर से है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं ऑन द वे टू कोहिमा। Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Guys, कैसा लग रहा है? बढ़िया है ना?
आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ओके, और भी अच्छा लगेगा जब हम लोग पहुँचेंगे जखामल विलेज में, है ना? ठीक है, अभी हम लोग कोहिमा में पहुँच गए तो बारिश बहुत है यहाँ पे, मज़ा भी आ रहा है। देखते हैं अब कल क्या होता है। Hi guys, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए जखामा विलेज में। बहुत ही बारिश हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही बारिश हो रहा है, मतलब अच्छा भी लग रहा है क्योंकि मानसून सीजन में ना हम लोग यहाँ पे आए तो मानसून का मज़ा भी ले रहे हैं यहाँ पे। और जखामा में ना एक्चुअली बहुत ही बारिश होता है, ऐसे नॉर्मल भी जैसे कोई भी सीज़न पे आओ ना तो बारिश थोड़ा थोड़ा रहता है। और यहाँ का मतलब व्यू सराउंडिंग बहुत ही अच्छा है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा पूरा व्यू। ओके, तो आज रात हम लोग रुकने वाले हैं इसी होम स्टे पे, आप देख सकते हो मेरे पीछे ये जो है यहाँ पे हम लोग आज रुकने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, ऐसे ठंड तो है यहाँ पे, बहुत बहुत ठंड है यहाँ पे, 12 डिग्री टेम्परेचर अभी फ़िलहाल है। तो देख सकते हो मैं पूरा एकदम प्रिपरेशन ले चुका हूँ, पूरा ठंड कपड़े लेके आए थे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग एक एक करके जाते हैं रूम के अंदर, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ रूम कैसा है, कौन से रूम पे हम लोग रुके हैं अभी। ठीक है, तो चलो मेरे साथ भाई, आराम से निकालना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। ये रहा हम लोग का वॉशरूम, ऐसे तो बहुत साफ है। हाँ गीजर है, अच्छा है। हाँ देख लो भाई, मैं पूरा रूम टूर करवा देता हूँ। ये है सिटिंग रूम। ओ भाई, भाई साहब देखो, ये देखो कितना जोर से बारिश हो रहा है। देखो आ गया, चाय 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 निकाल देगा। हाँ हाँ भाई दे दो, ये है कॉम्प्लीमेंटरी चाय, ऐसे वेदर में तो चाय तो भाई बनता है। आ जाओ आ जाओ, लोग भी आ जाओ। हाँ हाँ, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा जगह है। मैं तो और एक बार विंटर में फिर से आऊँगा। अगर कोई लोग मेरे साथ आना चाहते हो जुकू वैली में विंटर में तो मेरे साथ कांटेक्ट करना। ठीक है, मैं प्लान बनाऊंगा और मेरे इंस्टाग्राम में वो पोस्ट डालूंगा कब कैसे आऊंगा मैं। ठीक है, अगर आप लोग ने मेरे इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिएगा। मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे दे दूंगा, मेरा आईडी मैं बता रहा हूँ himadri_2020। ठीक है, और फेसबुक में भी पोस्ट डाल दूंगा, फेसबुक में अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हो वो भी फॉलो कर सकते हो। जैसे मेरा फेसबुक पेज है द वैकेशनर्स और स्लैश द हिमाद्री इज़ गुड लाइफ। ओके, तो ये भी आप सर्च करके देख सकते हो फेसबुक में, वहाँ पे भी मिल जाएगा। हाँ तो गाइज, और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना नागालैंड में ना ये ड्राई स्टेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को दारू वगैरह नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग ड्रिंक्स करना चाहते हो ना तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, आपको नहीं मिलेगा कोई भी दुकान पर, आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग ड्रिंक्स करना चाहते हो तो आप लोग कहीं से वहाँ से करी करके ला सकते हो, जैसे आसाम से करी करके ला सकते हो यहाँ पे। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ठंड तो है यहाँ पे, बहुत ठंड है, अच्छा तो लग रहा है, तो ठंड में तो थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, है कि नहीं, क्या बोलते हो है? चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक व्यू, देखो तो ना हम लोग जिस होम स्टे में रुके उसका नाम है डाउन होम स्टे, ये देखिए, तो यहीं से जाना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आपको
होम स्टे मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जाओ यहाँ पे, और एक है, एक छोटा मोटा सा विलेज है लेकिन बहुत ही सुंदर है, देखो मस्त है। यहाँ पे ना ऐसे छोटे मोटे बहुत शॉप्स आपको मिल जाएगा इसी विलेज में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग जैसे चॉकलेट्स वगैरह आप लोग लेना चाहते हो ना, यहाँ से ले सकते हो, यहाँ पे मैगी वगैरह सब मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता यहाँ पे, हाँ छोटा मोटा दुकान है यहाँ पे, मिल जाएगा आपको। लेकिन ना ये गांव ना बहुत साफ सुथरा है, मतलब आपको ना कहीं के पे भी आपको प्लास्टिक्स या ऐसे सामान आपको नहीं दिखाई नहीं देगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत क्लीन है, बहुत क्लीन विलेज है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इज़ द रोड, ठीक है, यहाँ पे देखो एक भी कचरा नहीं है यहाँ पे, देखो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द विलेज। Now it's lunch time. Let's go. ओ भाई साहब, चिकन इसमें है, पोर्क इसमें है, सब खाना खाने। अच्छा, ये चिकन, ये पोर्क, ओके ओके, ये पोर्क, ओके थैंक यू। ये मिक्स वेज है, मिक्स वेज है ये, ओके। चावल किधर है? चावल आगे, वो रेड वाला, ये ओके, ओके ये, और ये दाल, चलो ठीक है। ये है पापड़ भाई साहब, ये है अचार, चलो टूट पड़ते हैं, ले लो भाई मेरे लिए। तो भाई ले लिया, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, गूगल पे देखना पड़ेगा। हाँ लगेगा, शाम से सब खा रहे हैं। हाँ लगेगा लगेगा, इतना टाइम लगेगा। कोई आ जा बे, खाना खाने बैठ, कितना लग सकता थोड़ा देख खाना खाई। सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं किसामा विलेज में। तो पहले सोचा था जा नहीं पाएंगे क्योंकि इतना बारिश हो रखा था, तो अभी थोड़ा बारिश कम हुआ है, तो अभी जाएंगे किसामा विलेज में। चलो मेरे साथ किसामा विलेज में, लेट्स गो। सो गाइज, अभी हम लोग जस्ट किसामा विलेज के एंट्री गेट है ना, उसके अंदर से आ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो हॉर्नबिल होता है ना, जो फेमस है लगनलैंड का फेस्टिवल होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो बहुत ही पॉपुलर है, तो ये ना इसी विलेज में होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हॉर्नबिल होगा हम यहाँ पे विज़िट करेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, अब दिखाते हैं आपको किसामा विलेज। हो भाई गॉड, क्या व्यू है यार, क्या नज़ारा है, कसम से सच में बहुत ही मज़ा आ रहा है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है ना, बेसिकली ये इसी जगह पे होता है, यहाँ पे कॉन्सर्ट होता है, यहीं पे डांस वगैरह जो भी होता है ना यहीं पे होता है। तो ये देखिए, जब हॉर्नबिल फेस्टिवल होगा ना तो मैं यहाँ पे आऊँगा, आपको दिखाऊँगा।
So guys, finally I'm reached here. Look at this church. Actually मैंने ना एक ब्लॉग में देखा था ये चर्च और बहुत ही सुंदर लगा दैट टाइम और मैं सोच रहा था मन ही मन कि आऊँ एक बार, तो आज वो दिन है मैं यहाँ पे आया। और एक्चुअली अभी ना यहाँ पे चेरी ब्लॉसम नहीं तो और भी सुंदर लगता है यहाँ पे, क्योंकि इस पेड़ में ये चेरी ब्लॉसम होते हैं, वहाँ पे फ्लावर्स होते हैं ना, तो देखने में और भी सुंदर लगता है। लेकिन अभी क्या है ना, हम लोग ऑफ सीजन में आए, तो चलो नेक्स्ट टाइम फिर जाएंगे तो ये भी देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने कुछ यहाँ पे लोगों से मिले, ये लोग महाराष्ट्र से आए हैं, ठीक है। तो मैं वेलकम टू माय चैनल। भाई साहब ने हमारा भी फोटो निकाला। मैंने आपको देखा है। अच्छा, यूट्यूब पे। अच्छा, नाम नहीं मालूम मुझे। अच्छा जी, मेरा नाम है हिमाद्री। ओके, और मेरा चैनल का नाम है द वैकेशनर्स। अच्छा, द वैकेशनर्स। और एक चैनल है द हिमाद्रीज गुड लाइफ। हिमाद्रीज गुड, दो चैनल में मेरा चैनल मैंने देखा। ओके, इधर आने के पहले इधर का देखा था ना, उसमें था आपका। अच्छा अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम हेमा करंडे। सर आपका? चंद्रकांत करंडे। ओके, सो गाइज इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुका है, तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बोल दीजिए मेरे व्यूअर्स। यस, व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू सो मच। नाइस मीटिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नाइस मीटिंग मैम, थैंक यू। ओके बाय। तो चलो अभी फिर हम लोग और कुछ एक्सप्लोर करते हैं, मैं आप लोग को दिखा दूंगा बाकी, ठीक है। सच में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और एक मेरा जो बकेट लिस्ट में, मेरा जो ट्रिप का मेरा जो बकेट लिस्ट होता है ना, उसमें से एक कंप्लीट हो चुका है। आई एम सो लकी। चलो गाइस फिर जाते हैं ऊपर, ठीक है, लेट्स गो। Now look at this. तो दोस्तों ये विलेज में ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे घर आपको देखने को मिलेगा। ये अलग अलग ट्राइब के अलग अलग से घर है, तो इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और अभी हम लोग जाने वाले हैं हमारे होम स्टे पे, तो बहुत लेट हो चुका है, तो चलते हैं। सो गाइज मैंने आप लोगों को दिखा दिया किसामा विलेज। ओके, पूरा एक्सप्लोर करा दिया। एक्चुअली यहीं पे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है और सच्ची में बहुत ही सुंदर है। एक्चुअली मैंने मिस किया इस बार हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो नेक्स्ट टाइम पक्का आएंगे ये यहाँ पे, ठीक है। और जितना मतलब मैं कोशिश किया, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया तो दिखाया, ठीक है। तो अभी जाएंगे हम लोग हमारे जहाँ पे रुके आज होम स्टे में, तो वहाँ पे रुक के आज रात डिनर करेंगे, फिर कल सुबह 7 बजे हम लोग जाएंगे जुको वैली। तो कल तो बहुत एक्साइटेड है कल के लिए, और कल बहुत हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि कल ट्रैकिंग करना है 9 किलोमीटर OMG। बट मेरे लिए कोई बात नहीं है, मैं तो इससे टफ ट्रैक कर चुका हूँ। मुझे तकलीफ की मतलब पूरा किस लिए लग रहा पता है? इसके लिए बेचारी फर्स्ट टाइम आई है ट्रैकिंग के लिए। अब सोचो कि कैसा हाल हो रखा है इसका, कल देखने वाले इसका हाल कैसा होने वाला है, ठीक है। तो लेट्स सी, अभी जा रहे नीचे, तो ठीक है गाइज फिर मिलते हैं कल सुबह। और अभी जाएंगे थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि बैक टू बैक हम ट्रेवल कर चुके हैं और बारिश में भी भीग चुके हैं, तो सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा, है ना। और वेदर अभी मौसम पूरा बदल गया है, अभी मौसम पूरा साफ हो चुका है। मुझे मतलब बहुत खुशी लग रहा है, क्योंकि जब आए थे ना यहाँ पे इतना बारिश हो रखा था कि मतलब कल ट्रैकिंग कर पाएंगे कि नहीं वो सोच रहा था। तो अभी मौसम पूरा चेंज हो गया, ब्लू स्काई दिखाई दे रहा है, देख सकते हो आप ना। सो एक्साइटेड फॉर टुमारो। चलो गाइस जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बोलना पड़ेगा क्या, सब्सक्राइब कर दो यार। और अभी तक मुझे अगर तुम लोग ने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है himadri_2020। मेरा नेक्स्ट ट्रिप कहाँ पे होगा वो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो वो मैं स्टोरी में डाल देता हूँ इंस्टाग्राम पे। अगर फेसबुक में हो तो फेसबुक में भी मुझे फॉलो कर सकते हो, हिमाद्रीज गुड लाइफ /द वैकेशनर्स पेज है, उसमें भी आप लोग जाके देख सकते हो, यहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और पसंद आ रहा है तो कमेंट में बता देना, ठीक है।
ठीक है, और अच्छा लगे तो शेयर करना दोस्तों के साथ। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो एट 7 o'clock, बाय। चलो गाइस, बाय 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 बाय, सी यू।